हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपको डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये, और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट के, आप इसे बेबी स्वेटर में बनाओ, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बेबी गर्ल में बनाओ, बेबी बॉय में बनाओ। तो ये देखिए, मैंने इसे डबल कलर में बनाया है, बेस एक कलर में और फ्लावर एक कलर। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो। ये वाले ऊन जिससे हम फ्लावर बनाएंगे, वो ऊन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप दो कलर में बना रहे हो तो इस कलर को ज़्यादा रखिए, या आपके पास बचे हुए ऊन हो तो जैसे एक लाइन आप एक कलर से बनाओ, बेस आप एक ही कलर से रखो और फ्लावर आप अलग अलग कलर से बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, इसे एक प्रकार से आप और भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं स्वेटर बना रही हूँ, पूरा स्वेटर हमको सिंपल बुनना है, तो आप इतना सा बनाओ, सिर्फ यही दो फ्लावर बनाओ, इसके बाद सिंपल बुनो। आप चाहे सिंपल बुनो या कोई सिंगल कलर का कोई भी डिज़ाइन पैटर्न डालकर बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कॉलर पे और नीचे बॉर्डर पे, बाजू के बॉर्डर पे आप इसे लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस प्रकार से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना आइए, हम आपको बताते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मेरी राइट साइड है, हमारी बैक साइड, ऊन ज़्यादा लगेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ऊन थोड़ा हल्का ही रहता है और स्ट्रेच भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेच नहीं होता, स्ट्रेच भी खूब होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बॉर्ड बनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसे बनाना आइए, हम आपको बताते हैं। और फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स का है कि मैंने छोटे से बॉर्डर में एक डिज़ाइन बनाया था, तो उन्होंने कहा कि डिज़ाइन को आप थोड़ा से बड़े में बनाओ, तो इसलिए मैंने इसी के आगे से आपको बनाना बताऊंगी, और आप मेरे साथ बनाओ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको इसी प्रकार बताती रहती हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो ये देखिए, राइट साइड आप जब भी जैसे बॉर्डर बना लिए या इतना ही बनाए, तो राइट साइड से हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, और जो कलर का बॉर्डर बना रहेगा उसी कलर से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने व्हाइट से बेस बनाया है, समझ लो कि बॉर्डर बनाया है, तो इसके बाद हम इसी कलर से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो राइट साइड, 8 के मल्टीपल में ये बनेगा, और दो फंदा इधर हम एक्स्ट्रा रखेंगे और दो फंदा हम इधर एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए, पहले फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। देखिए, दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, इधर भी हमने एक्स्ट्रा रखा है दो फंदे, और इधर भी हम एक्स्ट्रा ही रखते हैं दो फंदे, क्योंकि क्या है, स्वेटर हम बनाते हैं तो किनारे हमारी उतना सिलाई में ही निकल जाता है। तो देखिए, दो फंदे छोड़कर अब हम अपने पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन, 1 2 3, थ्री फंदे हमने बुने। अब देखिए, फंदे को आगे करेंगे, धागे को आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक दो, दो फंदे को इस सिलाई में लिए। अब ये देखिए, अब पीछे से हमको दोनों फंदों को एक साथ बुन ले, धागा हमने आगे किया था, तो देखिए यहाँ एक जाली पड़ रही है, ये हो गई। अब तीन फंदे फिर से हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। अब ध्यान से देखिएगा, ये दो फंदे छोड़कर, ये टू फंदे हमको, टू स्टिचेस छोड़कर हमको बाकी के सारे फंदे स्टिचेस, 8 देखिए, 1 2 3, फिर ये हमारे जाली वाले फंदे दो, फिर 1 2 3, तो 3 3 6 और 2 8, तो यही 8 फंदे हमको बार बार रिपीट करने हैं। यही 8 फंदे आप हमारे साथ बनाओ, देखिए, एक दो तीन, धागा आगे, फिर दो फंदे को हम ऐसे ही सिलाई को चेंज करके ऐसे ये जाले डाल दिए, फिर से एक दो तीन, हो गया। अब देखिए, हमारा एक पैटर्न दो पैटर्न, फिर से शुरू करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुना, धागे आगे किए। अब देखिए, दो फंदे को हम एक साथ बुनकर जाली बनाएंगे, और फिर से तीन फंदे सीधा बुनेंगे,
एक दो तीन, तो हो गया। फिर से देखिए, यही एक फंदे, यही आठ फंदे हमको बार बार रिपीट करने हैं। तीन हुआ धागा आगे, दो फंदे को हम एक साथ लेके ऐसे ही चाली बुनेंगे, फिर से तीन फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन। अब फिर से वही करेंगे, एक दो तीन, धागा आगे, दो फंदे पलट के पीछे से जाली बुनेंगे, एक दो ये तीन। तो ये हमारी पहली सिलाई फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इधर हमने दो फंदे एक्स्ट्रा रखे थे, इधर हमारे तीन फंदे एक्स्ट्रा हैं, आप दो ही रखो। तो तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, लास्ट के फंदे आप चाहे उल्टा बुन लो चाहे सीधा। अब देखिए दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई बैक साइड उल्टे की तरह, सारे फंदे को हम ऐसे ही सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी सिलाई हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। फिर तीसरी सिलाई देखिए, अब देखिए ये एक एक जाली हमारी पड़ गई। अब तीसरी सिलाई में ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागे को पीछे करेंगे, दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए सब एक दो तीन तीन हो गया। अब देखिए इसके बाद दो फंदे को हम एक साथ बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब दो फंदे को एक साथ बुने, अब देखिए हमारी जाली आ गई। अब यहाँ हम जाली डालेंगे, धागे को आगे किया, एक फंदा सीधा, जाली पड़ गई। फिर से धागा आगे करेंगे और एक जाली और बनाएंगे, यहाँ हम ऐसे ही बनाएंगे, दोनों फंदे को एक साथ ले लेंगे, इसके बाद सीधा बुने। ये एक जाली पड़ी, इस बार हमारी दो जाली पड़ गई। तो यहाँ भी हमने एक दो फंदे को एक साथ बुना था, यहाँ भी हमने दो फंदे को एक साथ बुना, तो जितना हमारा फंदा था उतना ही है। इसके बाद देखिए तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब देखिए यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए तीन फंदा सीधा, इतना तो हो गया हमारा। अब फिर से देखिए वही आ गया, जैसे हमने आपको पहले बताया, दो फंदे को सामने से पहले हम सीधा बुनेंगे। ये फिर से हमारी जाली आ गई, धागे को आगे किया और जाली बुना, फिर से धागे को आगे करेंगे, दो फंदे को फिर से हम एक साथ बुन लेंगे। ये और तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर से रिपीट पैटर्न। देखिए वही फिर से आ गया, दो फंदा हम एक साथ बुनेंगे, फिर से हमारी जाली आ गई, धागे को आगे करेंगे और जाली बुनेंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे, दो फंदे को एक साथ। तो ये हमारी तीसरी सिलाई जो है इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई में हम क्या करेंगे, सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई, मैंने बताया आपको इधर हम हर बार सीधा ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पाँचवीं सिलाई फिफ्थ रो, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना। अब ये देखिए अब हम पैटर्न रिपीट स्टार्ट करेंगे, अपना पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो फंदे को एक साथ बुनेंगे, ये फिर से हमारी जाली आ गई, धागे को आगे करेंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, ये जाली बनाए, बीच वाला फंदा, ये वाली जाली, तीन फंदा सीधा हो गया। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से यहाँ हम जाली बुनेंगे, दोनों फंदे को एक साथ, ये और एक फंदा सीधा हो गया। देखिए दो चार छः आठ, अब यही फंदे हमको बार बार रिपीट करने हैं, दो फंदे को एक साथ, धागा आगे, फिर जाली बनाएंगे, एक
दो तीन, फिर धागा आगे दो फंदे को हम पहले इस सिलाई में लेंगे, आप चाहो तो डायरेक्टली बना लो ये, और एक फंदा सीधा। फिर से हो गया आठ फंदा हमारा। अब यही पांचवी सिलाई में हमको यही आठ फंदे जैसे मैंने आपको बताया, अब बार बार रिपीट करके पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सिक्स रो, छठी सिलाई हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे, सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। छठी सिलाई सिक्स रो देखिए अब कंप्लीट हो गई। सेवंथ रो देखिए, अब देखिए पहले फंदे को स्लिप किया और धागे को पीछे करेंगे, तो ये हमारी जाली है, इसके पहले दो फंदे, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। दो फंदे को एक साथ बुनेंगे, ये धागा आगे लाएंगे। अब देखिए पांच फंदे को हम सीधा बुनेंगे, देखिए जाली पड़ी, एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे। अब देखिए हमारी ये जाली है, एक हमने बुन लिया था, इसके बीच में हमारे तीन फंदे हैं, एक दो तीन, धागा आगे ही रखेंगे। अब देखिए इन तीनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है, तो ऐसे दो फंदे को एक साथ पलटेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, तीनों को एक साथ बुन लेंगे। ये जाली भी पड़ गई हमारी, और तीनों को एक साथ बुन लिए, तो यहाँ बीच में हमारा एक फंदा हो गया। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब धागे को आगे करेंगे, फिर से हम पांच फंदा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए फिर से हमारे तीन फंदे आ गए, ये जाली के बुने, और ये हमारी जाली ही है, ध्यान से देखिएगा। अब तीन फंदे आ गए, अब धागे को आगे रखेंगे, धागे को आगे रखेंगे, देखिए ये दो फंदे को पहले हम ऐसे इस सिलाई में लेकर पलट लेंगे, फिर तीनों को एक साथ बुन लेंगे। धागे को आगे ही रखिएगा क्योंकि हमको यहाँ जाली बुननी है, ये जाली भी बुन गई, और यह हमारा एक फंदा, फिर से धागा आगे करेंगे, और सात फंदे, फिर सॉरी पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच। तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही हम सातवीं सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, और आठवीं सिलाई फिर हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। आठवीं सिलाई देखिए सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए आठ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, और जाली देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हम कलर लगाएंगे, दूसरा रेड कलर आप अपने हिसाब से लगाओ, मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए अब यहाँ हमें नौवीं सिलाई थोड़ा ध्यान से देखना है। पहले फंदे को देखिए हमने स्लिप किया, अब देखिए ये दूसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है, ये दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए जाली हमारी आ गई, सात जाली पड़ी है, बीच में एक जाली, तीन इधर, छः एक सात। अब देखिए तीन फंदे को हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा सीधा बुनने के बाद देखिए तीन फंदे हमने स्लिप किया। अब इस जाली से हमको एक लूफ निकालना है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये निकल गई। अब इसे हम सीधा बुन लेंगे, सीधा बुन लिए। अब ऐसे ही हम दूसरी जाली में करेंगे, लूफ निकाला, इस सिलाई में लेंगे और सीधा बुन लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तीसरी जाली में भी यही करेंगे, लूफ निकाला, लूफ को थोड़ा हम ढीला ही रखेंगे, सीधा बुन लेंगे। तीन जाली हो गई। अब देखिए चौथी जाली, लूफ निकालेंगे, इसे थोड़ा हम लॉन्ग ही रखेंगे, ये और सीधा बुन लेंगे।
चार जाली हो गई। अब देखिए पांचवी, फिर से लूफ निकालेंगे, सीधा बुन लेंगे। छठवीं जाली में भी वैसे ही करेंगे, सीधा। ये लास्ट वाली जाली, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए सात जाली थी हमारी और सात फंदे बन गए हमारे और एक फ्लावर हमारा बन गया। अब देखिए इधर क्या करेंगे, एक दो तीन और चार, ध्यान से देखिएगा। इधर हमने तीन फंदे स्लिप किए थे और फिर हमने सातों जाली में फूल बनाए, फ्लावर बनाए, इसके बाद चार फंदे स्लिप किया। अब देखिए ये बीच का फंदा है हमारा, इसमें हम सीधा बुन लेंगे ये। अब बीच वाले फंदे में सीधा बुनेंगे। अब यही हम पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे। एक बार आप और देख लीजिए, फिर से हमारी जाली दिख रही है। अब यहाँ हम तीन फंदे स्लिप करेंगे, देखिए एक दो तीन, तीन फंदे स्लिप करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, सारे फ्लावर को ऐसे ही हम बना लेंगे। एक दो तीन और ये बीच वाला, चौथी जाली जो सीधी जाली है उसे हम थोड़ा ढीला ही रखेंगे तो फ्लावर हमारा बहुत अच्छे से बनके तैयार होगा। चार हो गई, पांच, छः, ये सात, सातों जाली में हमारे फ्लावर्स बन गए। अब फिर से हम चार फंदा स्लिप करेंगे और यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार, फिर से हमारा बीच वाला आ गया, इसे हम सीधा बुन लेंगे ये। अब यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। ये हमारी नौवीं सिलाई है रेड कलर से। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। जैसे तीन जाली हमारी और है तो तीन फ्लावर ऐसे ही बुनकर और कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए नौवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, फ्लावर भी हमारा बन गया। अब देखिए लास्ट सिलाई, अब देखिए जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उसे हमें स्लिप ही करना है और जो फंदा हमने बुना है उसे हम बुन लेंगे। तो अब देखिए अब इस साइड देखिए हमारे चार फंदे हैं, तीन फंदे को तो स्लिप करेंगे, एक दो तीन। अब ये वाले फंदे को इन सात फंदों के साथ हम बुनेंगे। देखिए फंदे लूज हैं तो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। आठ फंदे, इसे हम एक साथ बुनेंगे, ये देखिए। इसको हम एक बार और बुनेंगे, इसे थोड़ा टाइट कर देंगे, हो गया। अब फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, और जो बुना वाला फंदा है उसे हम बुन लेंगे। अब फिर ये चार फंदा है तो तीन फंदे हम स्लिप करेंगे और जो ये फंदा है इसको हम इन सातों फंदों के साथ बुन लेंगे। ये बुन लिया और एक साथ स्लिप करेंगे, इस फंदे को हम एक बार और बुनकर थोड़ा सा टाइट कर देंगे, एक दो तीन। ऐसे ही हम दसवीं सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो
तो अब ये देखिए 10 की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और डिज़ाइन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब क्या करेंगे, सफ़ेद वाले कलर से हमको पहले एक सिलाई इधर से पूरा सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर इधर से दो सिलाई 11 12 सारे फंदे को हम ऐसे सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे, इधर भी हम ऐसे सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे और बैक साइड पीछे की तरफ भी हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दो सिलाई हमने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब ऐसे भी देख लीजिए, अब आपको जाली यहाँ बनानी है, इसके बाद अपना पैटर्न स्टार्ट करना। और अगर आप सीधा ही सीधा बुनना चाहते हो इसी के ऊपर, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको बुनना है, तो ये डिज़ाइन जो है ऐसे सीधी सीधी पड़ेगी आप, तब भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा तीछा कर दोगे तब भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको डिज़ाइन ये कैसी लगी, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारे साथ शेयर करिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।